आज हम मार्केटिंग का जो है इनवेलप डिज़ाइन करेंगे और ये आज हमारी जो है आखिरी क्लास है। कल से हम जो है न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे और आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो है दो लेटर जो है पहले से डिज़ाइन कर रखे हैं। इन्हीं की डिटेल जो है हम डिज़ाइन जो है यूज़ करेंगे इनवेलप में। और आप देख रहे हैं हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। तो चलते हैं, अब हम इसे जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेलेक्ट कीजिएगा। और मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। और मैं इसे जो है अब ड्रैग करवाऊँगा। और मैंने जो है आइकन और बाकी चीज़ें भी इसकी जो है वो सेलेक्ट करवा ली हैं। और अब हम जो है ड्रैग करवा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से जो है हमने ड्रैग करवा लिया। आप चाहें तो कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल बी करवा लें, बी फॉर बॉल, या आप चाहें तो ड्रैग करवा के लें। दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने जो है एजुकेशन का लोगो जो है वो रिमूव करवा लिया है और मैंने जो है मार्केटिंग का जो है लोगो वो मैंने ऐड करवा लिया है। और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है सिलेक्शन टूल ही यूज़ कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है अलाइनमेंट सेट कीजिएगा। और हम सिलेक्शन टूल की मदद से ही अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं, लोगों को सेट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने रेक्टेंगल जो है वो सेलेक्ट कर लिया है और मैंने इसे जो डिज़ाइन कर लिया है। और मैंने इसका जो है एज ड्रॉपर की मदद से कलर चेंज करवा लिया और मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया और मैंने जो है कंट्रोल बी करवा लिया। आपने देखा किस तरह से जो है हमने जो है बैक करवा लिया है और मैंने जो है दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है अलाइनमेंट सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हेडर हमारा जो है रेडी हो गया। और मैं अब जो है फुटर जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो है मैंने इसे जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है नीचे ड्रैग करवा लिया है और मैं इसकी जो है सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने जो है बैक को जो है वो मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया और मैंने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसे जो है इजीली कंट्रोल बी करवा दिया। और आप देख रहे हैं मैं आइकन को अब जो है सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से और मैंने इसे जो है ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है। और हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से जो है हमने फ्रंट जो है इनवेलप जो है वो डिज़ाइन कर लिया है एक ऑप्शन। और मैं इसकी थोड़ी मज़ीद सेटिंग करूँगा ताकि हमारा जो है फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो सके और मज़ीद हम आगे बढ़ सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने जो है लेटर की तरफ आया और मैं चेक कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा लिया है। और अब मैं इसकी थोड़ी सी और सेटिंग कर रहा हूँ और मैं इसका जो है अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो इसका कलर चेंज करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेलेक्ट कीजिएगा। और मैं इसे अब आइस ड्रॉपर की मदद से जो है कलर चेंज करवा रहा हूँ। और हम देखा किस तरह से जो है हमने कलर चेंज करवा लिया है। और हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हमने जो है अब बैक की तरफ मूव कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से जो है मैंने इसका कलर जो है चेंज करवा लिया है। और मैंने जो है लोगों की जो है कॉपी ले ली अल्ट की मदद से और मैंने जो है एजुकेशन का लोगो जो है वो रिमूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने फुटर जो है वो मैंने अल्ट की मदद से कॉपी कर लिया है और मैं इसको थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग कर रहा हूँ। और मैंने जो है जो पहले हमारे डिज़ाइन हुआ हुआ था मैंने उसे जो है सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से और मैंने इसे जो है रिमूव करवा लिया। और मैंने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से फुटर को जो है सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो है ट्रांसफॉर्म में आकर मैंने रिफ्लेक्ट करवा लिया है। और मैंने इसे जो है वर्टिकली रखा हुआ और मैंने इसका प्रीव्यू को चेक लगा लिया और मैंने ओके करवा दिया। आपने देखा किस तरह से जो है हम लोगों ने जो है बैग भी जो है मॉडर्न सा डिज़ाइन कर लिया है। और आप देख रहे हैं हमारा जो है एक ऑप्शन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है एजुकेशन का जो है इनवेलप है वो मैंने जो है नीचे डाउन की तरफ ड्रैग करवा लिया है, मूव करवा लिया है। और मैं अब जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है मैं सेकंड ऑप्शन जो है डिज़ाइन कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा।
और मैंने जो है अगेन सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो है इनवेलप की तरफ मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी अब सेटिंग करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं मैं किस तरह से जो है सेटिंग कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हम मज़ीद आगे जो है बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो सेकंड ऑप्शन जो है काफ़ी हद तक जो है इन मतलब वो डिज़ाइन कर लिया है मार्केटिंग का। और आप देखा किस तरह से जो है मैंने लोगों की जो है कॉपी ले आया हूँ और मैंने इसे जो है अरेंज में आके बिंग टू फ्रंट करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है इनवेलप जो है फ्रंट वो रेडी हो चुका है, बस थोड़ी सी मदद हम इसमें सेटिंग कर रहे हैं। और मैंने जो राउंड रेक्टेंगल जो है वो ड्रैग करवा कर नीचे जो है मैंने मूव करवा लिया है। और मैंने इसे जो है कंट्रोल वाई करवा लिया स्ट्रक्चर की मदद से और मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसे जो है राइट क्लिक किया अरेंज में आके बिंग टू फ्रंट करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं वेबसाइट चेक कर रहा हूँ और हमने जो है यहाँ पर एजुकेशन टाइप किया हुआ था तो यहाँ मैंने जो है मार्केटिंग जो है वो टाइप कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा, इसी तरह से आप लोग जो है वो चेक कीजिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं है। और एक में मैंने जो है शॉप जो है वो टाइप कर लिया और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने काफ़ी हद तक जो है सेकंड ऑप्शन का फ्रंट जो है वो रेडी कर लिया है और हम बैक की तरफ मूव कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है हम लोगों ने कलर चेंज करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अल्ट की मदद से जो है लोगों की जो है कॉपी ले रहा हूँ और मैंने एजुकेशन का लोगो जो है वो सिलेक्शन टूल की मदद से जो है डिलीट करवा लिया है। और मैंने रेक्टेंगल जो सेट कर लिया और मैंने इसे जो है डिज़ाइन करवा लिया। और आप देख रहे हैं हमने जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो रेडी कर लिया और उसकी बैक जो है हम लोगों ने रेडी कर ली है और मैंने सबको जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसे जो है ईजीली रिमूव करवा लिया। और अब मैं आर्ट बोर्ड में आ गया हूँ और आप देख रहे हैं मैंने न्यू आर्ट बोर्ड पर जो है क्लिक कर लिया और आपके सामने जो है दो आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गई हैं। और जो आपके पास दो एरो शो हो रहे हैं आप इसे क्लिक करेंगे ये आपका जो ऑप्शन जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है, इसका शॉर्टकट पी है और आप पी जब प्रेस करेंगे तो ये पेन टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं मैंने जो है पेन टूल की मदद से जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हम लोग जो है यूनिक सा और मॉडर्न सा जो है ऑप्शन डिज़ाइन कर रहे हैं थर्ड इनवेलप। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने जो है स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया है और मैं इसका जो है स्टॉक का वेट बढ़ा रहा हूं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसका वेट बढ़ा दिया है। और अगर आपके पास जो है नीचे जो है डैश लाइन वाला ऑप्शन जो शो नहीं हो रहा, आपके पास जो है नीचे जो है एरो का ऑप्शन आ रहा है और आप देख रहे हैं और आपके पास जो है एरो का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है शो का ऑप्शन आ रहा होगा तो इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा। और हमने प्रोफाइल जो है सेलेक्ट कर लिया और मैं इसका थोड़ा सा मदद जो है वेट बढ़ा दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी डायर सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसको सेट कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और ये जो एंकर पॉइंट में मूव कर रहा हूँ ये अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट प्रेस करेंगे तो आप एंकर पॉइंट जो है मूव कर सकेंगे। और मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी गाइड किया और अभी मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ये एंकर पॉइंट जो है आप लोगों ने जब मूव करवाने हैं तो अल्ट प्रेस कीजिएगा, आपका हैंडल जो है वो ईज़िली मूव होगा एंकर पॉइंट का। और आप देख रहे हैं मैंने जो है एंकर पॉइंट किस तरह से जो है अल्ट की मदद से जो है मैं मूव करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम यूनिक सा और थर्ड ऑप्शन जो है इनवेलप डिज़ाइन कर रहे हैं मॉडर्न सा। और आप भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने स्टॉक को जो है फिल कलर में कन्वर्ट कर लिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट रखा हुआ है और मैं इसकी मज़ीद थोड़ी सेटिंग कर रहा हूँ ताकि हमारा जो है इनवेलप जो है मॉडर्न सा डिज़ाइन हो जाए।
आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी एंकर पॉइंट मूव करवा सकते हैं, आप चाहें तो सिलेक्शन टूल की मदद से भी मूव करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप ही के लिए हैं। और मैंने रेक्टेंगल जो है वो सेलेक्ट कर लिया, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लिया है। और आपके पास जो है मैंने पहले भी गाइड किया था, ये दो एरो जो आ रहे हैं वो क्लोज़ करने के लिए, और हमने जो है स्टॉक का जो है ऑप्शन क्लोज़ कर लिया। और मैंने अगेन जो है रेक्टेंगल की जो है कॉपी ले ली अल्ट की मदद से, और मैंने इसे जो है ब्लैक कलर करवा लिया, और मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे राइट क्लिक किया और अरेंज में आके मैंने सेंड टू बैक करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है थर्ड ऑप्शन जो है रेडी हो चुका है। और मैंने जो है अल्ट की मदद से जो है लोगों की कॉपी ले ली, और मैं इसे जो है सेट करवा रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं हम लोग ने जो है काफ़ी हद तक जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। मैंने पहले से ही जो डिटेल सेव रखी हुई थी, मैं उसे जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है मैं इसे मूव करवा रहा हूँ। एजुकेशन लिखा हुआ था, मैंने वहाँ जो है मार्केटिंग टाइप कर लिया, और मैं से जो है राइट क्लिक किया, अरेंज में आके बिंग टू फ्रंट करवा लिया। और मैंने इसका जो है आइज ड्रॉपर की मदद से कलर चेंज करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा फ़ॉन्ट का जो है बड़ा कर दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा तीसरा ऑप्शन भी जो है काफ़ी हद तक जो है इन वाला वो डिज़ाइन हो चुका है मार्केटिंग का। और मैंने जो है राउंड रेक्टेंगल जो है वो डुप्लीकेट उसकी ले लिया है अल्ट की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने जो है बैक की जो है कॉपी ले ली है सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने जो है थर्ड ऑप्शन का जो है बैग जो है वो रेडी कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन भी जो है हमारा रेडी हो चुका है। आपने देखा आज हमने जो है तीन ऑप्शन जो है वो डिज़ाइन कर लिए हैं, और मैं चेक कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ छोड़ा हुआ तो नहीं है, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई हुई। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।